मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे रूबरू हूँ। आज हम मोहसिन काकोरवी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। मोहसिन काकोरवी ने यूं तो गजलें भी कही, रुबाइयात भी लिखी, लेकिन बाहैसियत कसीदा निगार उनको उर्दू अदब की तारीख में शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई। कसीदे उन्होंने किसी बादशाह वक्त या बड़ी शख्सियत पे ना लिखकर मजहबी शख्सियात यानी मनकबत की सूरत में या नात की सूरत में तहरीर की। उनका एक मशहूर कसीदा है दर मदह खैरुल मुरसलीन, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की सूरत में कहा गया है। ये कसीदा इस तरह शुरू होता है, यानी इसकी तशबीब यूं है, समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। ये मतला सुनते ही बाज़ औक़ात कोई ये सोचेगा कि ये सबा गंगा जल ला रही है और कहीं गोकुल का जिक्र है, कहीं गोपियों का जिक्र है, कहीं कृष्ण कन्हैया का जिक्र है। कसीदा तो हुजूर की नात के सिलसिले में लिखा, लेकिन ये जिक्र क्यों? दरअसल मोहसिन काकोरवी यकजहती की बात करने वाले थे, मेल मिलाप की बात करते थे, अमनो अमान इंसानियत का पैगाम देते थे। उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब का सहारा लेकर इस कसीदे की तशबीह को तख्लीक किया। ये मामला बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मीर अनीस और दबीर के मरसियों में हमें देखने को मिलता है। वाकयात करबला का मामला अरब की सरजमीन से ताल्लुक रखता है, लेकिन इन दोनों बड़े मरसिया निगारों ने इस अंदाज में मरसिये लिखे गोया वहां हिंदुस्तानी तहजीब की झलक नजर आती है। वही मामला मोहसिन काकोरवी के इस कसीदे का है। तशबीब के अलावा भी उन्होंने जगह जगह ऐसे वाकयात का बयान किया है जो हिंदुस्तानी तहजीब या हिंदू तहजीब से मुतालिक हैं, जैसे स्नान गोकुल घर में स्नान करें सर्व कदाने गोकुल, जाके गंगा पे नहाना भी एक तूल अमल। देखिए अक्सर हमारे कसीदों में या मरसियों में या तो नहर फुरात का जिक्र आता है या कोसर व तस्नीम का जिक्र आता है, गंगा जमुना का जिक्र कहीं नहीं आता। तो आता भी है तो खाल खाल आता है, लेकिन मोहसिन काकोरवी का यही कमाल है कि उन्होंने अपने इस कसीदे के जरिए हिंदुस्तानी तहजीब के मुरक्के दिखाने की कोशिश की है। कसीदा ज़बानो बयान अल्फाज़ो तराकीब के एतबार से कामयाब है और अपनी मिसाल आप है। आज की निशस्त में इतना ही, आइंदा निशस्त में इस कसीदे पे तफसीली गुफ्तगू की जाएगी।